होली के त्यौहार पर जहां अंबाला के बाजारों में हर साल त्यौहार से पहले ही रौनक लगनी शुरू हो जाती थी, वहीं इस साल अंबाला के बाजार होली के पर्व पर सूने ही नजर आ रहे हैं, क्योंकि सरकार ने हरियाणा में कोरोना के बढ़ते मामलों पर रोक लगाने के लिए होली मनाने पर बैन लगा दिया है। लेकिन सरकार के होली मनाने पर बैन लगाने की वजह से दुकानदारों को काफी नुकसान झेलना पड़ रहा है। दुकानदारों का कहना है कि पिछले साल भी कोरोना की वजह से उन्हें होली के त्यौहार पर नुकसान झेलना पड़ा था और इस बार भी सरकार ने होली मनाने पर बैन लगा दिया है, जिसकी वजह से उन्हें इस बार भी व्यापार में घाटा हो रहा है। दुकानदारों ने कहा कि अगर सरकार को होली मनाने पर बैन लगाना ही था तो एक महीना पहले लगाते, अब होली से 4-5 दिन पहले बैन लगाया है जब उन्होंने होली पर बेचने के लिए सारा माल मंगवा लिया है। अब होली मनाने पर बैन लगने की वजह से कोई भी ग्राहक उनकी दुकान पर नहीं आएगा, जिसकी वजह से उन्हें काफी नुकसान होगा। देखिए सर, ऐसा है, असर तो पड़ेगा ही पड़ेगा। यही बात अगर सरकार 10 दिन पहले, 15 दिन पहले या 20 दिन पहले, महीना पहले बताती तो परचेजिंग उसी हिसाब से होती है। तो परचेजिंग तो हुई ज़्यादा, कस्टमर आया नहीं। लास्ट ईयर भी यही पोजीशन थी, लास्ट ईयर भी होली पे 2 दिन पहले चाइना का रोला पड़ गया, चाइना की पिचकारी है। अब भी क्या हुआ कि अभी 3 दिन पहले देखो, अभी सरकार ने कह दिया कि होली सार्वजनिक यहीं खेलेंगे। चलो वो तो सेफ्टी के हिसाब से ठीक भी है, लेकिन यही अगर बात महीना पहले या 15 दिन पहले बता, कोरोना तो देखो जी अब से 20 दिन पहले या महीना पहले भी आ गया था, तो इससे क्या है कि दुकानदारों को फ़र्क तो पड़ेगा ही जी। तो उसका नुकसान तो सारा व्यापारी को भुगतना पड़ेगा ना सर। सरकार ने तो अपने कमेंट्स दे दिए, उन्होंने बयान जारी कर दिया, चलो सेफ्टी भी रखनी है, सब कुछ करना भी है, लेकिन थोड़ा व्यापारियों का भी सोचते, अगर एक महीना पहले बता देते तो परचेजिंग थोड़ी कम हो जाती। तो इसलिए थोड़ा सा हमारा सरकार व्यापारी के बारे में कुछ सोचे। कारोबार में तो फर्क पड़ा ही है जी, कुछ आज लॉकडाउन की वजह से लोग, एक पैसे की कमी लोगों के पास, लोग एक बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं ऑनलाइन, तो कहीं बुक्स लेने के चक्कर में बच्चे, ये तो सारा दामोदार ही बच्चों के ऊपर है। बिल्कुल असर पड़ेगा सर, कस्टमर नहीं निकलेगा बाज़ार में, खेलेगा नहीं, हमारे काम को बिल्कुल इफेक्ट पड़ गया, माल डंप हो जाएगा अंदर, भुगतान हो नहीं हो पाएगा, हम लोगों से भुगतान तक नहीं हो पाएंगे, यानी कि ये पिछड़ हो जाएगी हमारी। तो